सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआर नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए। Hey guys, welcome to the Smart Learning Academy. My name is वीरेंद्र सिंह और आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी चैनल के साथ। तो मैं आपको बता दूं, स्मार्ट लर्निंग अकेडमी आपके लिए कई सारे इनिशिएटिव्स आपके बेटरमेंट प्रिपरेशन के लिए कि आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सके, तो बूस्ट योर प्रिपरेशन स्मार्ट लर्निंग अकेडमी लेके आया है कई सारे क्रैश कोर्स, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सीरीज एंड योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी टिप सीरीज। सो लॉट्स ऑफ सीरीज आर देयर। सो वी आर गोइंग टू ऐड वन बाई वन वीडियोज और वी आर गोइंग टू टेक लाइव सेशंस इन दोज सीरीज फर्दर इन नेक्स्ट सम वीक्स और सम मंथ्स। सो यहाँ पे जब हम बात करने वाले हैं कि आप जुड़े हुए हैं स्मार्ट लर्निंग अकेडमी के साथ, तो ये क्रैश कोर्स सीरीज चल रहा है। क्रैश कोर्स पे ध्यान रखे रहिएगा कि हर एक दिन आपको एक वीडियो मिलता है, 10 बजे जनरली लाइव किया जाता है वो एक वीडियो। सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको, और बेल आइकॉन भी दबा सकते हैं ताकि 10 बजे जब भी वो वीडियो अपलोड होता है आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सके। ये क्रैश कोर्स आपके प्रिपरेशन के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा एनर्जेटिक का कॉन्सेप्ट, और उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है एनर्जी कपलिंग का कॉन्सेप्ट। एनर्जी कपलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। सो एनर्जी कपलिंग इज व्हाट, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में ड्राइव और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अपने साथ एक नॉन स्पॉन्टेनियस को भी लेके जा सकता है, ठीक है। कहते हैं ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के पास पास होता है किसी पार्टी में घुसने का। आपके दोस्त को इनविटेशन मिला किसी पार्टी में जाने का, आप क्या किए, अपने दोस्त के साथ जुड़ लिए और पार्टी में चल दिए। दैट इज व्हाट द एक स्पॉन्टेनियस, उसके पास वो प्रॉपर्टी है कि वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करेगा। दैट स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। यस डेफिनेटली इट मस्ट बी नेगेटिव, नेगेटिव होनी चाहिए स्पॉन्टेनिटी के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए नेगेटिव होनी चाहिए। सो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दूसरे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है। एंड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ द कपल्ड रिएक्शन आर एडिटिव। कैसे होते हैं, एडिटिव होते हैं। एडिटिव का मतलब होता है कि साइन के साथ प्लस माइनस जैसा भी होगा वो जुड़ेगा, ठीक है। एडिटिव होते हैं, साइन के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। सम कैटेलाइज जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, टू कपल्ड हाफ रिएक्शन में डिवाइडेड होते हैं। ज्यादातर जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं वो दो रिएक्शन में डिवाइडेड होंगे कि एक स्पॉन्टेनियस दिखेगा एक नॉन स्पॉन्टेनियस दिखेगा, या दोनों स्पॉन्टेनियस दिखेंगे। जैसे भी प्रोसेस होगा उसमें आपको देखना होता है कि जोड़ने के बाद कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चंस कई सारे आते रहते हैं। सो इस कपल्ड रिएक्शंस के लिए कैसे आप प्रोसीड करेंगे, जस्ट लुक इट कि कैसे आप प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल ज्यादा बेटर समझ में आएगा। सो फॉर्मिंग द डाइसैकेराइड सुक्रोज इन्वॉल्व्स, ठीक है, इन क्या इन्वॉल्व करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज फॉर्म करता है सुक्रोज को। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू है, दैट इज +27 kJ/mol। इट इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। पहला रिएक्शन कैसा है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस है, इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। नाउ कपल विथ हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी हाइड्रोलिसिस क्या होती है, दैट इज व्हाट द एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी प्लस पीआई में। इसकी एनर्जी क्या है, डेल्टा जी -32 kJ/mol, ये इसकी एनर्जी है। सो अब आप देख रहे होगे कि ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसको साथ में लेके जा सकता है। कपल करेंगे ग्लूकोज प्लस एटीपी, ग्लूकोज फॉस्फेट एडीपी हो जाएगा, ग्लूकोज हैज बीन फॉस्फोरिलेटेड, एटीपी हैज बीन हाइड्रोलाइज्ड, दूसरे में ग्लूकोज फॉस्फेट प्लस फ्रक्टोज सुक्रोज फॉस्फेट आ जाएगा। पीआई हैज द लो एनर्जी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जैसा कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोला जाता है। तो अब ये प्रोसेस जो होगा, इस प्रोसेस की टोटल एनर्जी अगर इनको लिंक करूं, ठीक है, अगर इस प्रोसेस को लिंक करूं, फाइनल जो रिएक्शन बनेगा ये रिएक्शन पूरा का पूरा, दैट इज व्हाट, इस रिएक्शन को अगर हम करेंगे, ठीक है, सो व्हाट वुड बी दैट रिएक्शन हियर, ग्लूकोज प्लस एटीपी इज इक्वल टू ग्लूकोज प्लस एटीपी, ठीक है, ग्लूकोज प्लस एटीपी, दैट इज व्हाट, यहां पे प्लस फ्रक्टोज भी होगा, ठीक है, प्लस फ्रक्टोज भी होगा क्योंकि सुक्रोज बना रहे, दैट इज व्हाट सुक्रोज प्लस एडीपी प्लस पीआई। इसकी जो डेल्टा जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, इसकी डेल्टा जी
की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि दोनों रिएक्शन एज इट इज सम कर दिए गए हैं, दोनों रिएक्शन एज इट इज सम कर दिया गया है, कोई रिवर्स नेचर नहीं किया गया है, कोई रिवर्स नहीं किया गया है। सो यहाँ पे जो हो जाएगा वो सीधा सीधा एड कर देंगे, प्लस 27 माइनस 32 सीधा एड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 5 किलो जूल पर मोल, और माइनस है तो आप अब बता सकते हो कि ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में सीधा सीधा आपका एडिशन था, कई सारे क्वेश्चंस उल्टे तरीके से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगेन वही क्वेश्चन है एनर्जी कपलिंग का, जैसा कि सुक्रोज फ्रक्टोज के लिए ऐड किया हमने ये माइनस 3 किलो जूल, अगर फॉर 30 किलो जूल अगर हम एटीपी को लेकर चलते हैं सो माइनस 3 या माइनस समथिंग लाइक दैट, उस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं कहूँ, ठीक है, जैसे कि कई सारे क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिलेटेड, ये क्वेश्चन जैसे कि आया हुआ है आप देखोगे अमोनिया वाला, ग्लूकोज ग्लूटामेट और अमोनिया, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्लूटामेट है और अमोनिया है, जब ग्लूटामीन बनता है तो डेल्टा जी की वैल्यू है जो है वो प्लस 3.4 है किलो कैलोरी पर मोल, तो इसके लिए एटीपी चाहिए, जब आप एटीपी से ऐड करोगे तो उसकी किलो कैलोरी में माइनस 7.3 होती है, और यहाँ पे ये डिवाइड माइनस करेंगे तो माइनस 3.9 निट जो आएगा, जो कि स्पॉन्टेनिटी शो कर रहा है। सो ये रिएक्शन इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को बोलूं आपके लिए, ठीक है, दैट इज व्हाट, देखिएगा एक क्वेश्चन अभी हम देख रहे थे, क्या कर रहे थे उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसी को, दैट इज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज द सुक्रोज, ठीक है, ये दिया रहेगा आपको, यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू थी प्लस 27 किलो कैलोरी। नाउ उसके बाद क्या था, एटीपी इज इक्वल टू एडीपी प्लस पीआई, इसमें डेल्टा जी की वैल्यू जो दिया हुआ है दैट इज माइनस 30, जस्ट सपोज माइनस 30 या 32 किलो कैलोरी पर मोल, पर मोल होता है डेल्टा जी की वैल्यू पर मोल, ठीक है। अब मैं कहता हूं क्वेश्चन देखिएगा कि कहीं घुमा देता है आपको, क्वेश्चन में अब समझना पड़ेगा कि वो सिंथेसिस पूछ रहा है या हाइड्रोलिसिस पूछ रहा है या ब्रेकडाउन पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में बता रहा हूं कैसे दो तरीके क्वेश्चन बनेंगे, वो दो वही दो बन सकते हैं, उसके अलावा बन ही नहीं सकता। पहला टाइप ऑफ क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट वुड बी, ठीक है, ट्राई टू लिसन केयरफुली, व्हाट वुड बी द डेल्टा जी फॉर सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज, फॉर सिंथेसिस ऑफ सुक्रोज। अब देखिएगा अगर सुक्रोज की सिंथेसिस के लिए पूछा जा रहा है तो आपको पता है कि सिंथेसिस इसी डायरेक्शन में हो रही है, सिंथेसिस उसी डायरेक्शन में हो रही है, तो सीधे सीधे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस एटीपी जोड़ देंगे हम, सीधे सीधे इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इससे सिंथेसिस हो जाएगी सुक्रोज, ठीक है, सीधे सीधे हो जाएगा सुक्रोज प्लस एडीपी प्लस पीआई दैट विल गिव यू द माइनस 5 किलो कैलोरी पर मोल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ रहा है कि ये सीधा सीधा सिंथेसिस पूछेगा कि सिंथेसिस दैट इज व्हाट, बायोसिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ अ सुक्रोज। नाउ अगर मैं बात करता हूं तो व्हाट इज द सेकंड टाइप, सेकंड क्या क्वेश्चन बनेगा, सेकंड कैसा वो पूछेगा कि व्हाट वुड बी डेल्टा जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इसको इस तरीके से पूछ सकता है, और पूछ सकता है ब्रेकडाउन ऑफ सुक्रोज। समझ में आ रही बात कि या तो रिवर्स आपका फॉरवर्ड पूछे या तो रिवर्स पूछे, यही पूछ सकता है वो इस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन सिर्फ दो ही तरीके से आते हैं। तो जब रिवर्स पूछेगा तो इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा फॉरवर्ड रूल, सीधे सीधे ऐड कर दिया, लेकिन अब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज पूछा जा रहा है, तो ये जो ए रिएक्शन है ये जो बी रिएक्शन है, अब इसमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन ए को रिवर्स करना पड़ेगा रिएक्शन ए को रिवर्स करेंगे तभी सुक्रोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का सिंथेसिस हो पाएगा। तो मैं रिवर्स करता हूं, दैट इज व्हाट सुक्रोज, जैसे ही आप रिवर्स करोगे सुक्रोज टूटेगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में यहाँ पे डेल्टा जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 27 किलो कैलोरी पर मोल। क्यों माइनस कर दिया जी, यहाँ पे माइनस
माइनस क्यों कर दिया, इट इज इंपॉर्टेंट टास्क। जब भी आप रिवर्स करते हो किसी रिएक्शन में, जब भी रिवर्स करोगे, डेल्टा जी साइन, द साइन ऑफ डेल्टा जी जो होगा विल बी चेंज्ड, वो क्या हो जाएगा, वो चेंज्ड हो जाएगा। डेल्टा डी का साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो गया यहाँ पे। जैसे साइन चेंज होगा इसको एटीपी के साथ लिंक करिए, एटीपी के साथ लिंक करिएगा, एडीपी प्लस पीआई। ऑलरेडी स्पॉन्टेनियस है बट इसे कोई मैटर नहीं करता, क्वेश्चन पूछा क्या उसे हिसाब से चलेंगे। इसमें डेल्टा जी क्या है, वो है -32। यहाँ पे जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी सुक्रोज का ब्रेकडाउन, सुक्रोज प्लस एटीपी प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस एडीपी प्लस एफ, ठीक है, दैट इज व्हाट फ्रक्टोज एपीआई। नाउ इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, बताइए जी, -59 किलो कैलोरी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, दो रिएक्शन दे देंगे उनमें या तो ब्रेकडाउन पूछेगा, ज्यादातर ब्रेकडाउन पूछेगा, या उस जो पहले सब्सट्रेट था उसकी सिंथेसिस पूछ देगा, ठीक है। सो ये रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से रिएक्शन को रिवर्स करके या डायरेक्ट एड करके जो पूछा जा रहा है रिएक्शन वो पता कर सकते हैं, ठीक है। एक इसी पे एक और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मैं बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चल चलिए उस क्वेश्चन को भी बताता हूँ, ये तो एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक क्वेश्चन इसी को एज एग्जाम्पल लेके चलूंगा, वो कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो यू नो दैट ग्लूकोज ना, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज इज इक्वल टू सुक्रोज, इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू जो आ रही थी दैट इज द +27 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ देयर इज अ पर्टिकुलर कंपाउंड जिसको हम बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट, लैक्टोज इज ग्लूकोज प्लस माल्टोज। यहां पे जो डेल्टा जी की वैल्यू है वो है -37 किलो कैलोरी पर मोल। नाउ अ फाइनल रिएक्शन इज ऑब्टेंड, एक फाइनल रिएक्शन ऑब्टेंड किया गया, दो रिएक्शन देंगे उससे एक रिएक्शन दे देगा आपको, जैसे लैक्टोज प्लस सुक्रोज, लुक लेट मी राइट इन डिफरेंट वे, इट इज व्हाट, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज प्लस सुक्रोज इज इक्वल टू लैक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इसमें बताना है डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी। सो इस कनेक्शन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए, जो फाइनल इक्वेशन आया है, इस इक्वेशन में क्या है, पहला रिएक्शन ए रिएक्शन और बी रिएक्शन, ए भी रिवर्स हुआ है और बी भी रिवर्स हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, ए भी रिवर्स हुआ है और बी भी रिवर्स हुआ है, ए भी रिवर्स कर दिया आपने और बी को भी रिवर्स किया है, दोनों रिवर्स किया है, ठीक है। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होगा, नॉट माल्टोज होगा, दैट इज व्हाट, ये गैलेक्टोज होगा, दैट विल नॉट बी माल्टोज, इतना तो आप लोग पढ़े होंगे, गैलेक्टोज होता है लैक्टोज में, दैट वॉज बाई मिस्टेक, ठीक है, गैलेक्टोज होता है। सो ये क्या होगा कि ये गैलेक्टोज होगा। नाउ अब देखने की कोशिश करिएगा कि रिवर्स दोनों रिएक्शन हुए हैं, तो जब रिवर्स होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा जी वन, इफ डेल्टा जी वन इज, तब क्या कर लेंगे हम, इसको रिवर्स करेंगे तो -27 आ जाएगा, और दूसरे को जब रिवर्स करेंगे डेल्टा जी टू को, तो ये आ जाएगा +37। अब इसको एड करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस वुड बी +10 किलो कैलोरी। तो ये स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा, दिस वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करने हैं जी, इस तरीके के क्वेश्चंस करने कैसे करने हैं, होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लेके चलना है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को बस आपको देखना है कि रिवर्स करना है कि फॉरवर्ड करना है, कैसे बना है, बस यही देखना है। द फॉरवर्ड रिवर्स कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन।
हे गाइस, होप कि आपको बहुत मजा आया होगा वीडियो देख के। अगर आपको मजा आया होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एक सेशन पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जो भी इस फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितना कंटेंट जो है फ्री प्रोवाइड कर सकूँ और उन लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते स्टडीज को। सो आप लोग भी थोड़ा सा इस पर हेल्प करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट कि सबको ये चीजें में अवेलेबल हो सके और वो स्मार्टली अपने एग्जाम के प्रिपेयर कर सके। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। सीएसआई नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेंद्र सिंह बनाऊंगा आपके सीएसआई नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।